जय नारायण स्टूडेंट्स, नाउ इन प्रीवियस चैप्टर चैप्टर नंबर 13 वी स्टडीड अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस चैप्टर चैप्टर नंबर 6 बी माय मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। दिस चैप्टर इज आल्सो बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओनली। सो इन दिस चैप्टर्स नेम इज ओनली बी माय मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। आप मेरा मल्टीपल बनिए, मैं आपका फैक्टर बनूँ। मीन्स क्या हुआ, जब हम टेबल पढ़ते हैं, जब किसी नंबर का टेबल पढ़ते हैं, सपोज आई हैव रीड द टेबल ऑफ 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, लाइक दैट। तो ये जो टेबल पढ़ते हुए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीपल। मीन्स ये मल्टीपल जो आंसर आ रहा है वो मल्टीपल, टेबल पढ़ने के बाद जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। अब फैक्टर क्या है, जो हम टेबल पढ़ते हैं जो आंसर आता है वो आंसर, जैसे 10 आ गया, 2 फाइव जा 10, 10 आया। अब 10 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो जो जिस जिस नंबर से वो 10 डिविजिबल है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर। अब यहाँ पर दोनों चीज़ है, लेकिन हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, फॉर दिस अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ काउंटिंग नंबर। मतलब जो मल्टीपल होता है वो हमें कैसे मिलता है, जब हम किसी नंबर को काउंटिंग नंबर से टेबल पढ़ते जाते हैं, उसका टेबल पढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई करके, तो हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ द मल्टीपल। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। जैसे यहाँ दिया है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं 4 का। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से करना है, सेम थिंग वही है, आपका क्या हो जाएगा आंसर, जैसे आपका आंसर है 4 का टेबल पढ़ना है, फर्स्ट 5 चाहिए आपको। फॉर दैट 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 4 का करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4, फिर आपका है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, अगेन यह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए 4 का हमें फर्स्ट था 5 चाहिए था, तो हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक लिया स्टार्टिंग का। तो 4 हमने क्या किया, सबका 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा, 1-1 नंबर्स का। यहाँ पे 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब आपका आंसर आ रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। सो कौन कौन से नंबर्स हैं, 4, 8, 12, 16 एंड 20, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, 5 फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये आपके हो क्या हो गए, दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से क्या करें, जो भी नंबर दिया जाएगा स्टार्टिंग में उसका आप टेबल पढ़ के उसका मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्वेश्चन था राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो स्टार्टिंग से बिना किसी नंबर को मिस किए हुए आपको स्टार्टिंग से टेबल 5 तक पढ़ना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना। बट यहाँ पे लिखा है राइट एनी 4 मल्टीपल्स ऑफ 12, मतलब कोई भी 12 का जो टेबल पढ़ते हैं जो आंसर आता है कोई भी नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज अ मल्टीपल। तो जैसे अभी है मल्टीपल 12 का निकालना है, कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं आपको, तो आप यहाँ पे 12 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 24 लिख सकते हो, 12 2 जा 24 होता है, आप यहाँ पे 48 भी लिख सकते हो, हमने एक मिस कर दिया यहाँ पे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 मैंने क्या किया मिस कर दिया, तो आपका कोई भी हो सकता है, 12 5 जा 16, आपको 4 ही लेना था तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो हम कंटिन्यूएशन सीक्वेंस लेते हैं वो सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी 4 मल्टीपल्स 12 के लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जब बोला फर्स्ट 5, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको वही लिखना है, दैट इज उस समय हम वही स्टार्टिंग से लेते हैं, सिक्वेंस में लेना पड़ता है। नेक्स्ट यू राइट फोर्थ मल्टीपल ऑफ 9, फोर्थ मल्टीपल, यहाँ पे 4 मल्टीपल्स था, यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स 4 आपको 12 का फाइंड आउट करना था, यहाँ पे है फोर्थ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 का टेबल आप 4 बार पढ़ेंगे तो आपका 36 आएगा,
तो जो मतलब नाइन का टेबल फोर का फोर और नाइन का जो टेबल पढ़ने के बाद आंसर आता है वो आपका फोर्थ मल्टीपल है। यहाँ पे नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर इक्वल टू 36, तो आंसर इज 36 इज द मल्टीपल ऑफ फोर्थ मल्टीपल ऑफ नाइन, ये आपका आंसर है। हियर इज ऑल्सो राइट सिक्स मल्टीपल ऑफ सेवन, सेवन का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है आपको, सिक्स टाइम पढ़ना है, जो आंसर आएगा वो आपका मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स 42, सो 42 इज द आंसर, 42 इज द सिक्स मल्टीपल ऑफ सेवन, दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स इज द सेम, जैसे आप मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हो टेबल पढ़ के वैसे ही मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। अब इसमें है कॉमन निकालना है, फॉर दैट कॉमन, व्हाट इज कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स टेकन एट अ टाइम, द मल्टीपल्स विच आर कॉमन एमंग द मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स आर नोन एज कॉमन मल्टीपल्स। जब हमको दो नंबर्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड फाइव, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड फाइव। फॉर दैट हम क्या करेंगे, पहले थ्री का मल्टीपल्स निकालेंगे फिर फाइव का निकालेंगे। यहाँ पे है थ्री का मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, थ्री का टेबल पढ़ते जाइए, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा नाइन, फोर जा ट्वेल्व, फाइव जा फिफ्टीन, सिक्स जा एटीन, आपका सेवन जा ट्वेंटी वन, फिर एट जा ट्वेंटी फोर, नाइन जा ट्वेंटी सेवन एंड द लास्ट वन टेन जा इज थर्टीन। ये लास्ट जरूरी नहीं है कि आपका यहीं पे एंडिंग है, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट टू पूछा है या थ्री फोर फाइव पूछा जाए या लास्ट का जो भी, उसके अकॉर्डिंग आप आगे टेबल पढ़ सकते हैं जब तक कि आपको वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जब तक ना मिल जाए आंसर। अब आपका यहाँ पे है फाइव का, हमने यहाँ पे कर दिया, फाइव का टेबल पढ़ेंगे, फाइव वन जा फाइव, टू जा टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, थर्टी, थर्टी, थर्टी फाइव, फोर्टी, फोर्टी फाइव एंड हियर इज फिफ्टीन। अभी हम टेन तक का ही टेबल पढ़ रहे हैं दोनों का, अगर इसके अंदर हमें मिल जा रहा है तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, नहीं तो फर्दर भी आगे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन जो दोनों में नंबर हो, वो जो मल्टीपल्स आपने फाइंड आउट किया है वो दोनों में सेम होना चाहिए, वो कॉमन। यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करिए, हियर इज फिफ्टीन, यहाँ पर देखिए फिफ्टीन इसमें भी है और 15 आपका 5 में भी है, दोनों क्या हो गए सेम सेम है, मीन्स कॉमन है। नाउ नेक्स्ट वन इज हियर इज 30 एंड हियर इज ऑल्सो 30, तो हमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू, इसके पहले कोई नंबर नहीं था कॉमन, इसके बीच में हमें फर्स्ट नंबर मिला है 15, सेकेंड नंबर मिला है 30, तो यहाँ पे फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 फाइंड आउट करना था, फर्स्ट नंबर इज 15 एंड सेकेंड नंबर इज 30। अब इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू। अब इसमें जैसे हमने इसको इस तरह से बनाया, ये सर्कल फॉर्म किया, एक सर्कल ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप करके सर्कल फॉर्म हो रहा हमारा। ये सर्कल हमने बनाया। अब सपोज यहाँ पे मैंने किस किया थ्री का टेबल पढ़ा, मल्टीपल्स ऑफ थ्री, यहाँ पे आ गया मल्टीपल्स ऑफ थ्री, ये है मल्टीपल्स ऑफ फाइव, यहाँ पे हम फाइव का टेबल पढ़ रहे हैं। अब थ्री का टेबल जब पढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो आपका कौन कौन सा नंबर मिला है देखिए, यहाँ पे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन एंड थर्टीन, ये आपके नंबर। इसमें का जो फिफ्टीन है, सॉरी थर्टीन यहाँ नहीं आएगा, फिफ्टीन एंड थर्टीन ये हमने बीच में लिखा है। बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि ये नंबर जो है आपके फिफ्टीन एंड थर्टीन वो इस सर्कल में भी है, थ्री के टेबल में भी है और फाइव के टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब है अब फाइव का जैसे पढ़ा हमने, फाइव टेन ट्वेंटी
25, 35, 40, 45 and 50. अब यहाँ पे देखिए, ये जो 3 आपका 15 एंड 30 है, बिकॉज ये आपके 5 के भी टेबल में भी था और 3 के टेबल में, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में लिखा है। बीच का मतलब है जो दोनों में कॉमन है, इस सर्कल में भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है, दोनों में टेबल में, और उसको हमने बीच में लिखा, इसे कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स 3 एंड 5 का क्या है, 15 एंड 30 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन मतलब आपको कॉमन दोनों में क्या मिला है, ये कॉमन मल्टीपल्स है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर 4, फैक्टर्स। अभी आपने मल्टीपल्स के बारे में समझा कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट उसको रीड द टेबल, टेबल पढ़ के निकालते फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स है, जस्ट उसका अपोजिट है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर दैट डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, जो भी नंबर दिया जाता है, हाँ फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर दिया जाता है उसको हम किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड वो नंबर हो जाता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18, 18 का हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। फॉर दैट अब हम 18 को किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 18 को क्या कर सकते हैं, को डिवाइड करने के लिए क्या है, आप डिवाइड भी कर सकते हो या मल्टीप्लाई, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 और 18, मतलब 18 को हम 1 से टेबल पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 18 आएगा। सेकेंड है, अब हम 18 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इससे 9, 2 9 जा 18। नेक्स्ट आपका है 3 से कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 जा 18। और कोई नंबर है जिसे आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो डिवाइड करके, 4 से करेंगे तो 4 का किसी से जाएगा नहीं, 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो नहीं कर सकते। तो ये नंबर्स जो है हमारे हैं, जैसे 1 से डिवाइड किया 18 टाइम्स तो आपका 18 आया, 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स तो आपका 18 आया, 3 से डिवाइड किया 6 टाइम्स तो आपका 18 आया। तो आप डिवाइड करके करिए या 3 6 जा 2 9 जा 1 8, इस तरह से किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम यू शेप में लिखते हैं, ये जो है हमारा नीचे से यहाँ स्टार्टिंग से इस साइड से इस तरह के नंबर को हम करते हैं, यहाँ से हम डाउन जाते हैं, और जैसे हैं नंबर कौन कौन से हैं, 18 का फैक्टर्स कौन कौन सा मिल गया हमें, 1 2 3 6 9 and 18। सो क्या होता है, 1 से हम क्या करते हैं एग्जैक्टली 18 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 3 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 18 से भी करते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं उससे हम क्या करते हैं 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं विदाउट लिविंग द रिमाइंडर, द रिमाइंडर नहीं बचता है, डायरेक्ट वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। तो उस तरह के नंबर्स को क्या करते हैं, ये जो नंबर्स मिल रहे हैं उसको डिवाइड करने पे जिसे से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18, ये क्या है, ये 18 के फैक्टर्स हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, जैसे आपने कॉमन मल्टीपल्स निकाला था सेम वे उसमें हम टेबल पढ़ रहे थे, जो भी नंबर दिया था उसका टेबल पढ़ने के बाद दोनों में से जो कॉमन है सेम नंबर्स थे उसे हम कॉमन मल्टीपल्स के रूप में देखते थे। यहाँ पर भी वही चीज़ है, कॉमन फैक्टर्स, जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं उस फैक्टर्स को निकालेंगे, उन तो जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनके फैक्टर्स निकालेंगे और उसमें जो कॉमन नंबर रहता है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 30। अब 18 30 का कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमने सपोज 18 का ले लिया, पहले 18 का फैक्टर्स निकालेंगे। 18 का टेबल कितने टाइम्स, 18 है 1 का टेबल, हमने 1 नंबर का ले लिया, 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 सबके टेबल में जाता है, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 आपका हो गया, 1 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ते हैं कि आपका 18 आता है, तो हमने 18 लिख लिया, कॉमा लगा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर 2 लेते हैं, 2 का टेबल भी हम पढ़ सकते हैं, 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि हमारा आएगा 9 टाइम्स पढ़ते हैं, 2 9 जा 18। अब इसके बाद हम 3 भी ले रहे हैं, 3 का टेबल भी जाता है 18 में, तो 3 का टेबल कितने टाइम्स जाता है, 6 टाइम। अब कोई भी नंबर नहीं है जिससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास हो गया 1 2 3 6 9 एंड 18, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18।
नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 30। अब 30 की फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। सेम वे 1 का टेबल सभी नंबर में जाता है तो 30 में भी जाएगा। 1 30 जा, फिर इसके बाद कॉमा 2 से भी जाएगा आपका नंबर। 2 से कितने बार जाएगा? 15 टाइम्स। 3 से भी जाएगा, 3 से कितने टाइम जाएगा आपका? 10 टाइम्स। अब इसके बाद जाएगा आपका 5 से जाएगा और आपका जाएगा 6 से। तो ये नंबर्स आ गए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। यहाँ पे देखिए मैंने ये मेथड अप्लाई किया था कि 1 का टेबल है तो 1 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ते हैं कि हमारा 18 आता है, तो 18 टाइम्स पढ़ते हैं उसको लिख लिया हमने। नेक्स्ट नंबर था हमारा 2, इसको हाफ, क्योंकि आपका इवन नंबर है तो इवन नंबर हाफ होता है, तो 2 का टेबल जाएगा इसका। 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि आपका 18 आएगा? 9 आपका 9, क्योंकि जो लास्ट का नंबर होता है, देखिए वहाँ पे जो जिस नंबर का फाइंड आउट करना होता है तो जस्ट बिफोर आपका हाफ आता है उसका, उस नंबर का हाफ। जैसे 18 का हाफ होता है 9, 30 का हाफ होता है 15। अब उस तरह से हो गया 2 आपका 9 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 3 से, 3 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 6 टाइम्स। इस तरह से हमने इस नंबर को फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। कॉमन हमें यहाँ पे जो दोनों में कॉमन हो एक जैसा हो, 1 है, हमें 2 भी यहाँ पे मिल रहा है, देन 3 भी कॉमन है दोनों में है, 5 नहीं है आपका, 6 है, नेक्स्ट आपका 9 है या 10 है, 18 या 15, 30 नहीं, कोई कॉमन नहीं। तो हमें यहाँ पर 4 नंबर्स कॉमन मिल गए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा देयरफॉर 1 2 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कौन कौन से नंबर का है ये? 18 एंड 30। तो आपने देखा कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाले हमने, पहले 18 के सारे फैक्टर्स निकाल लीजिए, फिर 30 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, अब उन दोनों में चेक करिए कि दोनों कौन सा कॉमन, कौन सा सेम से नंबर आपके आ रहे हैं दोनों में। तो आपका यहाँ पे 1 2 3 एंड 6 आ रहा है, उसको सर्कल कर लीजिए, उसके बाद उन सबको नंबर को लिख दीजिए, क्योंकि वो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, जो भी जिसके फैक्टर्स आपने निकाला है उस नंबर्स के। तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स का दिया है, हम 3 नंबर्स के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 नंबर्स के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जब 3 नंबर्स का या 4 नंबर्स का आप निकालेंगे तो उसमें भी जो सब में कॉमन हो, सब में वो नंबर आपका कॉमन आएगा। सपोज अगर आपका इसमें 2 में कॉमन आ रहा है, कोई नंबर सेम आ रहा है और तीसरे में नहीं आ रहा है, उसको नहीं लेंगे, जो सारे नंबर में आपका आएगा वो आपका कॉमन फैक्टर्स होगा। थैंक यू।